उत्तराखंड में सदन के बाहर से ही विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रीतम ने सीएम से मांगा इस्तीफा, कहा सीएम को पद पर बने रहने का अधिकार है। गंगा में विसर्जित हुई विपिन रावत की अस्थियां, दोनों बेटियों ने निभाई रीत। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। सीडीएस विपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि, सैकड़ों लोगों ने मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। विपिन रावत अमर रहे के लगे इन नारे। बराड़ी सैंड स्थित विधानसभा परिसर पहुंचे हरीश रावत, सीडीएस जनरल विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी रहे मौजूद। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का, तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत और मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार के वीआईपी घाट पर गंगा में विसर्जित की गई। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अस्थि कलश सैन्य सम्मान के साथ हरिद्वार लाया गया। सीडीएस विपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी समेत अन्य परिजनों ने अस्थियां गंगा में विसर्जित की। जनरल बिपिन रावत के अस्थि विसर्जन के लिए वीआईपी घाट पर तमाम लोग पहुंचे थे। वहीं कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और धन सिंह रावत भी इस अवसर पर मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वीआईपी घाट पर मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी वीआईपी घाट पहुंचे। बता दें कि तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस विपिन रावत ने अपनी जान गंवाई थी। सीडीएस के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा 11 सैनिकों ने भी अपनी जान गंवाई थी, जिसको लेकर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। दुखद घटना है, अपूरणीय क्षति हुई है, पूरा देश आज गमगीन है। असामयिक हमको सबको छोड़ के चले जाना, देश के चारों कोनों में आप आज आप देख रहे हैं कि लोग बहुत मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हूँ। उत्तराखंड देवभूमि, यहीं से इसी मिट्टी में वो पले बड़े हैं, तो देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी जबरदस्त शोक की लहर है। सब लोग हतप्रभ हैं। उनका और मेरा अंतिम दौर 9 नवंबर को यहाँ हुआ था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषभ चौहान हरिद्वार से जुड़ गए हैं। ऋषभ, ये जानकारी दीजिएगा कि कृतिका और तारिणी आज हरिद्वार पहुंची, जहां पर उन्होंने कलश को विसर्जित किया है, कैसा माहौल था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता कि दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई थी हरिद्वार के वीआईपी घाट पर। पूरे विधि विधान और सैन्य समाज के साथ अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया गया था। जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी ने माता पिता की अस्थियां में विसर्जित कर उनकी आत्मा के लिए मोक्ष की कामना की और शोक की लहर थी। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर आए और उनके परिवार से मुलाकात की। ठीक है ऋषभ, जैसा कि 8 दिसंबर के बाद से ही पूरा देश शोक में है, आज अस्थियों का विसर्जन किया गया है, इसको लेकर ये जानने की और कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपने जैसा कि बताया, और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे, और कौन कौन नेता वहां पहुंचे थे, विस्तार के साथ बताइएगा। जी, और वीवीआईपी बहुत थे और अजय भट्ट केंद्रीय मंत्री वहां थे और विधानसभा अध्यक्ष अपने प्रेमचंद अग्रवाल और ये अनिता मंगई मेयर ऋषिकेश और बाकी तमाम ऐसे बड़ी नेता और वीवीआईपी और काफी तमाम अस्थियां वहां पर मौजूद थी। बिल्कुल ऋषभ, जैसा कि हमने देखा है कि जब ये शोक यात्रा निकाली गई थी
तब भी काफी भीड़ देखी गई थी, तो ऐसे में आज हरिद्वार में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थी प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी दिखाई गई और जाम वगैरह का ऐसा कुछ ना लगे, रूट डाइवर्ट कर दिए गए थे जो कि बिल्कुल पूरी तरह से समय के लिए निर्धारित रखते हुए जो कार्यक्रम ये सही समय पे अपना पूर्ण हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ऋषभ। तो ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से आज हरिद्वार शोक में डूबा था, क्योंकि आज देश के एक बड़े योद्धा की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार की पावन गंगा में किया गया है। दर्शकों, हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों के निधन पर लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड 1 में वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मोमबत्ती जलाकर और मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर विपिन रावत अमर रहे के नारे भी लगाए गए। पवन चौहान ने कहा कि सीडीएस रावत शौर्य पुरुष थे, उनकी वीरता और साहस के किस्से सदैव याद किए जाएंगे। भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो हमारे एक ऐसे महान रतन थे विपिन रावत जी, जिन्होंने एक एक अपना शरीर का अंग और शरीर का एक एक खून कतरा पूरा इस देश के लिए लगाया था। आदरणीय मोदी जी, विपिन रावत जी की योग्यता के अनुसार उनको एक महत्वपूर्ण पद दे रखा था जो कि पहली बार हुआ था, और उन्होंने अपनी योग्यता को दर्शाया भी। हम बहुत सब दुखी हैं भारतवर्ष के लोग, क्योंकि विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और अन्य हमारे अधिकारीगण जो दिवंगत हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हम उनके परिवारों को से के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको ईश्वर शक्ति दे, और विशेषकर उत्तराखंड के लिए भी बहुत क्षति हम लोगों की हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भराड़ीसैंण विधानसभा में सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि विपिन रावत को आप पहाड़ की माटी से और यहाँ के लोगों से बड़ा लगाव था, इसलिए मैं यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद थे। दुर्भाग्य से इस बीच जब हमने कार्यक्रम तय किया, इस कार्यक्रम में बहुत से लोग शामिल होने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस बीच हमारे बहुत ही लाडले और एक वीर योद्धा इस भूमि में जिन्होंने जन्म लिया, हमारे जनरल विपिन रावत जी, जो कि तीनों सेनाओं के मुखिया थे, दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं रहे। तो हमने इस कार्यक्रम को फिलहाल राजनीतिक कार्यक्रम न कर उन्हें श्रद्धांजलि कार्यक्रम के रूप में तब्दील किया। हम गैरसैंण विधानसभा भवन के बाहर बैठेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें पुष्पांजलि देंगे, और अंततोगत्वा सरकार को भी ये समझना होगा कि गैरसैंण वो स्थान नहीं है कि जिसमें उत्तराखंड और उत्तराखंडी व्यक्ति को ठंड लगे। तो ये दोनों बातें हैं और इन्हीं दोनों बातों के चलते हम यहाँ पर आए हैं। दर्शकों, देहरादून में सीएम धामी के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट ने बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक को अपने लेटर हेड पर एक पत्र लिखकर सीएम के मौखिक आदेशों का हवाला देते हुए पुलिस के पकड़े गए 3 वाहनों का चालान निरस्त करने की बात की है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। इसके बाद सीएम ने पीआरओ को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अब कांग्रेस को एक अहम मुद्दा सरकार को सदन में घेरने का मिल गया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने तो सरकार को सदन के बाहर से ही घेरना शुरू कर दिया है और मीडिया को दिए बयान में सीएम से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीआरओ के लेटर हेड मामले के बाद सरकार को सत्ता में रहने का अब कोई हक नहीं है। प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का अब मौलिक अधिकार नहीं है, तत्काल सीएम इस्तीफा दें। प्रीतम सिंह ने कहा कि चिट्ठी में साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री ने मौखिक आदेश दिए हैं, पीआरओ ने तो सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन किया है। जो आरोप जो है विपक्ष सरकार पे लगा रहा है, सरकार उसकी पुष्टि करने का काम कर रही है। जिस पीआरओ को आज मुख्यमंत्री जी ने हटाया है,
उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री जी मौखिक आदेश दे रहे हैं तो पीआरओ तो उसका पालन करेगा ही करेगा। अगर सरकार में जरा सी नैतिकता है तो सरकार इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, सरकार खनन माफियाओं को जिस तरीके से संरक्षण देने का काम कर रही है इस पत्र के माध्यम से सरकार की पोल खुल गई है। नगर पंचायत दिनेशपुर चेयरमैन सीमा सरकार के नेतृत्व में गदरपुर प्रेस क्लब कार्यालय में जनरल विपिन रावत और दूसरे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर महामंत्री जसपाल डोगरा ने कहा कि गदरपुर प्रेस क्लब कार्यालय में प्रेस क्लब से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य कर्तव्य और जनरल विपिन रावत के साथ 12 अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जसपाल डोगरा ने कहा कि प्रेस क्लब की मांग है कि जनरल विपिन रावत को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। वहीं नगर पंचायत दिनेशपुर के सभासद हिमांशु सरकार ने कहा कि जनरल विपिन रावत हम सब का गौरव थे, वो हमारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। देश के लिए एक बहुत ही दुख भरी घटना है कि हमारे देश के प्रथम CDS विपिन रावत जी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुए। पूरा देश स्तब्ध है और आज गदरपुर प्रेस क्लब द्वारा उनको शोक श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई है, क्योंकि देश ने एक ऐसा वीर सैनिक खोया है जिसकी पूर्ति कभी भी संभव नहीं है। बड़ी एक दुर्घटना हुई है, कैप्टन मेजर जनरल और जो हमारे 3 सेना के प्रमुख थे उनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बहुत बड़ा एक दुर्घटना हुआ है और हमारे देश के साथ बहुत बड़ा क्षति हुआ है। हम पूरे दिनेशपुर वासी की ओर से उनको उनके परिवार को और उनके साथ जो 14 लोग शहीद हुए उनको भी हम सांत्वना देना चाहेंगे पूरे दिनेशपुर की ओर से, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को शक्ति दे कि उस जो उनके साथ बड़ी दुर्घटना हुई है उससे वो उभर सके। पौड़ी के श्रीनगर विधायक और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य सैनजी विनीता भंडारी को BJP में शामिल करने का दावा उनकी तरफ से पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए किया गया था, जिसका खंडन करते हुए सैनजी क्षेत्र पंचायत सदस्य विनीता भंडारी ने कहा कि स्थानीय विधायक के क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में उन्हें भी आयोजकों की तरफ से बुलाया गया था। इस दौरान वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्यक्रम में मौजूद हुई थी। कुछ दिन पहले जगदीश्वर स्कूल में प्रोग्राम हुआ जिसमें मैं क्षेत्र पंचायत के रूप में बुलाई गई और मंत्री जी ने मुझे कहा कि मैं भाजपा परिवार में शामिल हो गई। ना मैं भाजपा परिवार में शामिल हुई, मैं हमेशा कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगी और कट्टर कांग्रेसी हूँ। वहीं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड की सरकार ने अहम फैसला लिया है। उत्तराखंड में अब दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य होंगी। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के साथ ही RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी कर दी गई है। यह फैसला कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लिया गया है। गौरतलब है कि भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ चुके हैं, ऐसे में तमाम राज्य सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही हैं और एहतियात के तौर पर फैसले ले रही हैं। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई भी केस सामने नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इलाज के बाद इस वायरस से 27 लोग उभरे हैं। पिछले 24 घंटे में किसी भी मरीज के मौत की कोई सूचना नहीं है। तो जहां एक तरफ तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में ओमिक्रॉन जो अब नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का वो भी कई राज्यों में दस्तक दे चुका है, तो ऐसे में
कई सरकारें, कई राज्य सरकारें इसको लेकर तमाम एहतियात बरत रही हैं, जिसको लेकर अब उत्तराखंड सरकार भी एहतियात के तौर पर कुछ फैसले लेने जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने कहा है कि आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो दिखाना जरूरी कर दी गई है, और आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी है अगर आपको उत्तराखंड में प्रवेश करना है। इसके साथ ही साथ दोनों डोज भी अनिवार्य कर दी गई है। तो ये बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार की ओर से लिया गया है ताकि कोरोना वायरस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। आपको बता दें कि बीते दिनों ओमिक्रॉन वायरस ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से दस्तक दे दी है, जिसको लेकर लोगों के बीच दहशत है, और अब उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं और इसको लेकर तमाम एहतियात बरती जा रही है। तो ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं। सुभाष, अब उत्तराखंड सरकार नए फैसले ले चुकी है, अब ओमिक्रॉन वायरस को लेकर क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल काविंद्र, उत्तराखंड में भी कोरोना को लेकर अलर्ट सरकार ने कर दिया और कहा जा सकता है कि कोरोना के मामले प्रदेश में फिर एक बार ना बढ़े, उसको लेके एहतियाना पूरे प्रदेश को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से सरकार ने कर ली। और सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रदेश में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश ना हो, उसको लेके भी पूरी तरीके से तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है। अगर बात की जाए उत्तराखंड से जुड़ने वाले जो भी बॉर्डर हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश के हों या फिर किसी अन्य राज्य के हों, तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस को तैनात कर दिया और कहा गया है कि जिनके वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों, उनके सर्टिफिकेट हो, तभी उनको प्रदेश में आने की अनुमति। और इसके साथ ही जिस व्यक्ति को अभी तक डोज नहीं लगे हैं दोनों, उसको कोविड की अपनी रिपोर्ट यानी कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी, उसके बाद ही उसको बॉर्डर के अंदर आने की परमिशन मिल पाएगी। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि तैयारियां राज्य सरकार कर रही है कि कोविड के मामले फिर से प्रदेश में ना बढ़े, और ना केवल बॉर्डर्स बल्कि अस्पताल में भी व्यवस्था पूरी तरीके से सरकार ने तैयारी पूरी कर ली। और खासतौर से कोरोना को लेकर जो महत्वपूर्ण अस्पताल जिसने दूसरे कदम में उठाई थी वो थी पूर्ण मेडिकल अस्पताल, तो उस मेडिकल में अस्पताल में भी तमाम तैयारियां कर ली है, बेड की व्यवस्था कर ली है, और कहा जा सकता है कि जो स्टाफ की आवश्यकता पड़ रही थी वो तमाम स्टाफ को भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करने के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कह दिया है। ठीक है सुभाष, शासन की तरफ से तो आदेश दे दिए गए, इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? जी बिल्कुल, जैसे ही शासन ने आदेश दिया उसके बाद प्रशासन भी अलर्ट बोर्ड पे नजर आ रहा है, और पुलिस की जो टीमें हैं वो सभी बॉर्डर्स पर पूरी तरीके से तैनात है। बिना आरटीपीसीआर या जिनकी दोनों डोज नहीं लगी है कोविड की, उनको आने की परमिशन नहीं दी जा रही, और कोशिश की जा रही है कि उन लोगों की आरटीपीसीआर या रैंडमली जो चेकअप होता है, जो टेस्टिंग होती है, वो बॉर्डर्स पर ही कराया जाए यदि कोई इमरजेंसी केस में आता है तो। लेकिन बड़ी चीज ये है कि सरकार ने पूरी तरीके से और प्रशासन ने भी पूरी तरीके से कोरोना से निपटने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जी ठीक है, जांच और आरटीपीसीआर के साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अस्पतालों को किस तरीके से, उनकी व्यवस्थाओं को किस तरीके से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो दून मेडिकल अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, क्योंकि यही एक बड़ा अस्पताल है सरकार का जो कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक मरीजों का इलाज करते हुए नजर आया था। जो जिस मरीज को कहीं बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, सरकार उसे दून मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा रहा था और वो उपचार के बाद ठीक होकर घर भी जा रहे थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस बार फिर सरकार ने तैयारी की है, ना केवल दून अस्पताल बल्कि जो भी अन्य अस्पताल है जिनको कोविड के लिए संस्तुति दी जाएगी, उन सभी अस्पतालों में तैयारी पूरी कर ली। और कोशिश ये है कि इस बार जिस तरीके से दूसरी लहर में बड़ा खामियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ा था, वो इस बार राज्य सरकार को भुगतना ना पड़े। ठीक है सुभाष, वायरस के नए वेरिएंट को लेकर डर तो संभव है, ऐसे में जो तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही हैं, जो पुराना वायरस है, जो पुराना वेरिएंट है जो दूसरी लहर में देखा गया था, उसको अब उसका अभी भी असर क्या उत्तराखंड में दिख रहा है? उत्तराखंड में अभी बहुत बेहद कम मामले हैं कोरोना के, लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि लोग मास्क लगाते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लोग सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने उन सभी लोगों पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी और कहा था कि तमाम जो लोग बिना मास्क के नजर आते हैं उनका चालान काटा जाए, यदि उसके बावजूद भी वो नहीं सुधरते तो जो चालान की धनराशि उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सरकार भी अब कठोर कदम ले रही है ताकि इस तरीके की जो परेशानी, इस तरीके की जो बीमारी है वो प्रदेश में ना फैले। जी ठीक है सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सुभाष गौड़ हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से अब नए नियम उत्तराखंड में लागू कर दिए गए हैं ताकि कोरोना वायरस के जो नया वेरियंट है ओमिक्रॉन, उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।